नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सीएम हाउस में बैठक। मुख्यमंत्री ने चारों सीटों के प्रभारियों से लिया फीडबैक। अलग अलग वर्गों के मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। प्रदेश महामंत्रियों के साथ जमीनी रिपोर्ट के आधार पर प्लानिंग। शिवराज कैबिनेट का फैसला, 12 स्टेट रोड पर लगेगा टोल टैक्स, यात्री वाहनों को मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने कोरोना से दिवंगत लोगों की शांति के लिए तर्पण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का करा आयोजन। भोपाल के गायत्री मंदिर में तर्पण कार्यक्रम का आयोजन। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव, 9 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में। 1499 मतदाता सुबह 11 से शाम 5 बजे तक करेंगे मतदान। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 नए कोरोना मामले। सबसे ज्यादा इंदौर में 3, भोपाल में 2, धार और बालाघाट में 1 संक्रमित। विदिशा जिले में 2 की मौत। मध्य प्रदेश में भारतीय महिला हॉकी टीम का सम्मान, 31 से 31 लाख रुपए का चेक देकर सीएम ने किया सम्मान का। ओलंपिक में बढ़िया खेलकर बेटियों ने जीता सबका दिल। मध्य प्रदेश में 1 नवंबर को नहीं आ सकेंगे अफ्रीकन चीते। अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने हैं 20 चीते। केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार। महाकाल पर बड़ा फैसला, भस्म आरती और प्रोटोकॉल के टिकट से हटेगी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर। अब पुजारी के जरिए जल चढ़वाने पर भी रोक। ग्वालियर में कमल राजा अस्पताल में 2 और बच्चों की मौत। अब तक 48 घंटे में हो चुकी है 4 बच्चों की मौत। 36 बेड पर भर्ती हैं 80 से ज्यादा बच्चे। इंदौर में 30 से शुरू होंगे सीईटी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन। डीएवीवी के वेबसाइट पर आज शाम से उपलब्ध होगी रजिस्ट्रेशन की जानकारी। 8 अक्टूबर से शुरू होगी काउंसलिंग। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।